राजस्थान की नई सरकार का आज शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर और दिया कुमारी प्रेमचंद्र बैरवा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, एमपी सीएम मोहन यादव, पुष्कर धामी सहित कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई विधायक मौजूद रहे और इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत एक साथ बैठे नजर आए। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए आज राजस्थान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। जो है वो एक्टिव मोड में काम करेगी। पहले भजनलाल शर्मा को मनोनीत किया गया था, शपथ ग्रहण के साथ में ही एक आधिकारिक जो होता है राज्यपाल का जो कार्यक्रम होता है वो शपथ दिलाने के बाद में वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं। अब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके देखरेख में उनके ऑर्डर और जो तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहां पर प्रभावी नजर आएंगी। हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल पर आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र से अगर देखा जाए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में बड़ा अमला वहां पर मौजूद था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हाल ही में शपथ ग्रहण यहाँ पर ली है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके साथ साथ पुष्कर धामी जो थे वो यहाँ पर जयपुर पहुँचे, एकनाथ शिंदे वो जयपुर पहुँचे, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत वहाँ पर की। भव्य आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जनता का अभिवादन किया, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर थे उनका अभिवादन किया और एक लगा कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल को आशीर्वाद कहीं ना कहीं दिया है और हाथ रखते हुए भजनलाल के ऊपर जनता के प्रति एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो प्रतिनिधि था जिसको चेहरे को यहाँ पर आगे किया गया है उसको पूरा सहयोग कहीं ना कहीं मिलेगा, एक तरह से आश्वस्त कहीं ना कहीं नजर आए। और उसी के साथ साथ राज्यपाल ने तमाम लोगों को शपथ ग्रहण वहाँ पर करवाई, सबसे पहले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की और फिर दिया कुमारी को मंत्रिमंडल की और उसके बाद में प्रेमचंद बैरवा को मंत्रिमंडल की। दोनों चेहरों को, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर भव्य आयोजित हुआ है और अब के बाद में हालांकि रूपरेखा क्या सरकार की होगी, सरकार किस मोड में आगे बढ़ेगी, क्या कुछ विजन लेके चलेगी, ये तो आने वाले दिनों में एक तरह से खाका देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये संभावित नजर आ रहा है कि आज पहली मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो यहाँ पर हो सकती है और कुछ डिसीजन यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि पेट्रोल डीजल पर यहाँ की जो कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि 10 से 11 रुपये जो थे वो जनता पर भार ज़्यादा डाला हुआ है। माना जा सकता है कि यहाँ पर ये पहला फैसला हो जिसमें 5 से 7 रुपए की कटौती यहाँ पर की जाए और जनता को कुछ राहत देने की कोशिश यहाँ पर हो, तो कुछ डिसीजन, कुछ फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं जिसको लेकर चर्चा जो है वो आम यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह है और अब पदभार ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर दोनों चेहरे दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों सचिवालय पहुंचेंगे। दिया कुमारी जो है वो शाम 4 बजे अपना पदभार ग्रहण करेगी और इसी समय के आसपास दोनों जो कार्यक्रम है वो यहां पर होंगे और अपना पदभार ग्रहण करने के साथ में पद की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, उस काम को लेकर आगे भी बढ़ेंगे और अपना विजन कहीं ना कहीं जनता के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। जी बने रहिए और हमारे साथ सचिवालय से दशरथ भी लाइव जुड़े हुए हैं। दशरथ, देखिए यहाँ पर अब जयपुर के सचिवालय में मंत्रियों के कार्यभार संभालने को लेकर जो है वो चहल पहल बढ़ गई है, क्या कुछ वहां का माहौल है? देखिए निश्चित तौर पे सचिवालय की अगर बात करें तो सचिवालय में राज्य के नए मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीएमओ के अंदर पदभार ग्रहण करेंगे। सीएमओ वो जगह है जहां से पूरा स्टेट का जो कह सकते हैं लेखा जोखा है, या यूं कहो कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी कार्यालय होता है वो सीएमओ होता है। सीएमओ के अंदर जो है वो सीएमओ के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, सीएमओ के अंदर तमाम जो सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। भजन लाल शर्मा थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में विधिवत रूप से वो यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्टेट के तमाम जो मुख्यमंत्री के काम होते हैं उसमें जो सिग्नेचर होते हैं उस पर वो सिग्नेचर जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी देर में उनके यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सीएस उषा शर्मा यहाँ पर पहुंच चुकी है और सीएस उषा शर्मा भी उनके साथ जो सीएमओ का उनका चैम्बर है उसके अंदर जाएंगी और उसके बाद में पदभार वो ग्रहण करेंगे। थोड़ी देर पहले विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण कराने के लिए पंडित जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही राज्य के नए मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो उनको पदभार ग्रहण कराएंगे। ये चहल पहल है सेक्रेटरिएट की, ये मुख्य सेक्रेटरिएट का वो इलाका जहां पे आप अधिकारी देख पा रहे हैं, सीएमओ का ये मेन गेट है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं क्योंकि स्टेट को नया मुख्यमंत्री मिला है भजन लाल शर्मा के रूप। भजन लाल शर्मा ने थोड़ी देर पहले अल्बर्ट हॉल के सामने राज्यपाल गवर्नर की तरफ से उनको शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की और उसके बाद अब थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं सीएमओ का जो मेन ऑफिस है जो मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है वहां की। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो भीड़ है ये सेक्रेटरिएट के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नए मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं वो स्वागत सत्कार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि वो उनका स्वागत सत्कार कर सकें। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जन्मदिन है तो जन्मदिन के मौके पर यहाँ एक केक का कार्यक्रम रखा गया है, केक कटिंग भी कराने का कार्यक्रम रखा गया है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो केक कटिंग भी उन्हें कराई जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ सीएमओ के सामने की, ये शासन सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री का जो सरकारी ऑफिस होता है उसके बाहर की तस्वीरें जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं और थोड़ी देर बाद में यहां पर मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद वो कोई भी जो निर्णय है वो लेने के लिए उत्तरदायी होंगे स्टेट के लिए। और उसके बाद आज माना यह भी जा रहा है कि पहली एक बैठक होगी जिस बैठक में भजन लाल शर्मा उसकी अध्यक्षता करेंगे और दोनों जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शामिल होंगे। दिया कुमारी तकरीबन 4 बजे के करीब शासन सचिवालय पहुंचेंगी, 4 बजे मेन बिल्डिंग में जो उनका ऑफिस रखा गया है वहां पर पदभार ग्रहण करेंगी और प्रेमचंद बैरवा भी थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो यहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अनिल के पास जो जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल देखिए प्रदेश में राजनीतिक इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ गया है जो है एक परिवर्तन का पन्ना। जो परिपाटी चली आ रही थी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा वो आज परिपाटी बदल चुकी है और आज भजनलाल शर्मा ने 14वें सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। देखिए बिल्कुल नया युग भी कह सकते हैं, नए हाथों में कमान है, नई जिम्मेदारी नए चेहरे के साथ में है और राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी इसको कहा भी जा सकता है। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, हर बार हम देख रहे हैं 5 साल में राजस्थान के अंदर पिछले 30 साल के अंदर जो सरकार बदलने का रिवाज रहा है वो इस बार भी बरकरार रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि विपक्ष के अंदर जो कांग्रेस बैठेगी पार्टी वो विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आएगा। 70 सदस्य हैं कांग्रेस के पास में, अच्छा विपक्ष माना जा सकता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि विपक्ष के अंदर 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, मजबूत विपक्ष था और विपक्ष एक तरह से जनता की आवाज़ भी माना जाता है कि जनता के जो मुद्दे होते हैं
सदन में जनता के मुद्दे रखेंगे तो अच्छी बहस भी होगी, विपक्ष उसको पूरी तरह से बुलंदी के साथ आवाज भी उठा पाएगा, कमियां क्या हैं वो वहां पर गिना पाएगा, जनता क्या चाहती है उस चीज को सदन के अंदर रख पाएगा। तो ये तस्वीर सदन में कहीं ना कहीं जब विधानसभा सत्र वहां पर शुरू होगा तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, हमने देखा पिछला अगर करियर देखा जाए 25 साल का, दो चेहरों ने शासन यहां पर किया है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, दोनों के हाथों में कमान राजस्थान की रही है और 15 साल तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे और 10 साल तक वसुंधरा राजे ने राजस्थान को कमान यहां पर दी है, नेतृत्व वहां पर किया है, कई योजनाएं रही हैं, कई बार चर्चाओं में रहे हैं दोनों चेहरे, और अक्सर राजनीति में छोटे चेहरे नहीं है, राजनीति में अगर देखा जाए तो बड़े दिग्गज चेहरों में इनकी गिनती यहां पर होती है, राजनीति के माहिर लोग माने जाते हैं। अशोक गहलोत को तो जादूगर तक का नाम दिया हुआ है, तो उधर वसुंधरा राजे को महारानी कहा जाता है, और अपने आप में राजनीति को कैसे पलटा जाता है, राजनीति किस करवट बैठेगी, ये दिशा भी कहीं ना कहीं इन चेहरों के पीछे अक्सर राजस्थान की चलती रही है, और दोनों चेहरे राजस्थान के साथ साथ देश की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। लेकिन आज के बाद राजस्थान में खासतौर से इन चेहरों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक तो उम्र का पड़ाव देखा जाए तो उम्र के उस पड़ाव में है दोनों चेहरे, चाहे अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, वसुंधरा राजे की बात कर ली जाए, कि वो अब मार्गदर्शन मंडल की तरफ जाएंगे या फिर अभी भी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उनको कमान दे के रखेगा। हालांकि अगर पावर में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को सीएम की कुर्सी यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन भजनलाल को यहां पर प्रोजेक्ट किया गया, नया चेहरा है, पहली बार विधायक बने, सांगनेर से चुनाव लड़ा, जीत कर आए, तो यहां पर मुख्यमंत्री तक बना दिया गया है। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी राजस्थान के लिए कैसे पूरी होगी, और जिम्मेदारी के साथ साथ अपेक्षाएं राजस्थान की ज्यादा हैं। पिछली सरकार ने जो राजस्थान की जनता को योजनाओं की सौगात दी, कई मुहिम नई नई शुरुआत की, चिरंजीव योजना, मुफ्त अनाज वितरण किट वितरण योजना, 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है, और 7 गारंटियों की चर्चा भी जनता के बीच में जा चुकी थी, हालांकि जनता ने मोहर नहीं लगाई, लेकिन फिर भी जनता के बीच में 7 गारंटी की चर्चा रहेगी। ओपीएस जैसी स्कीम जो थी उस स्कीम को लेकर कर्मचारियों के बीच में वो मैसेज, तो इसको कैसे किया जा सकता है पूरा, ये विजन भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब देखने को मिलेगा, और अब भाजपा की भजनलाल सरकार किस रोड मैप के तहत आगे बढ़ेगी, क्योंकि तमाम जो विजन पिछली सरकार की जो रफ्तार थी उस रफ्तार से कुछ रफ्तार ज्यादा सरकार को दिखानी होगी भजनलाल सरकार को, और ये बताना होगा कि पिछली जो योजनाएं थी वो तो शायद लागू रहेंगी, दूसरे रूप में रहे, नाम बदल कर रहे, वो सौगात जो है वो जनता के लिए लागू रहेंगी, लेकिन नया जो रोडमेप है, नई जो सरकार की कवायद है, वो भी कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार लेकर आ रही है, ये दिखाना होगा जनता को, क्योंकि जनता ने अगर 70 सीटें देके कांग्रेस को नकारा है और 115 सीटें देके बीजेपी की सरकार यहां पर लाने की कोशिश की है, तो शायद जनता की उम्मीदें ज्यादा हैं, जनता चाहती है कि जो कांग्रेस सरकार ने दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, बीजेपी से और ज्यादा उम्मीद है, और उम्मीद कौन सी कि पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की थी, जो सौगात दी जा रही थी, उनसे ज्यादा क्या कुछ दिया जा सकता है वो बीजेपी सरकार देके, तो उसके ऊपर रोडमैप जो है वो बीजेपी सरकार को बनाना होगा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तमाम जो कवायद होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी, सरकार आगे बढ़ेगी, योजनाओं की शुरुआत होगी, नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, उनका खाका भी यहां पर तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है, पदभार ग्रहण करेंगे उसमें यह देखना होगा कि शुरुआत कहां से होती है भजनलाल सरकार की, और पहले फैसले कौन से होते हैं, पुराने सरकार के फैसलों को लेकर क्या किया जाता है, इन तमाम चीजों पर सबकी नजरें। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, और अब हमसे जुड़े हुए हैं सचिवालय से दशरथ। दशरथ, देखिए कई नामी चेहरों को छोड़ करके बीजेपी ने भजनलाल शर्मा पर अपना भरोसा दिखाते हुए उनके कंधों पर राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि भजनलाल कितना जिम्मेदारी को निभा पाते हैं, और थोड़ी देर में सचिवालय में जो है वो पदभार ग्रहण कार्यक्रम भी होने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए निश्चित तौर पर ये बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फैसला केंद्रीय आलाकमान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, फोटो सेशन हुआ था, और फोटो सेशन के बाद में जैसे ही प्रस्तावक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बनाया गया था, राजनाथ सिंह की तरफ से एक पर्ची दी गई थी, और उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम था। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक है, सांगानेर से चुनाव जीता है, और संघ से जुड़े नेता माने जाते हैं, संघनिष्ठ नेता माने जाते हैं, और संगठन के तौर पर लंबे वक्त तक बीजेपी में उन्होंने काम किया है। तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था कि राजस्थान की कमान एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है
जो चौंकाने वाला नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन के तौर पर बेहतरीन काम भजनलाल शर्मा ने किया है निश्चित तौर पे। उम्मीद राजस्थान की जनता को, हर किसी को यही है कि भजनलाल शर्मा राजस्थान को वो सुशासन देंगे जिससे गरीब, आम और खास हर किसी को फायदा होगा। कुछ देर में भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये सेक्रेटरेट का नजारा है, सेक्रेटरेट का जो नजारा है इसमें खास तौर पे सीएमओ के अंदर जो गाड़ियां एंट्री करती हैं सीएम की, वो कारगेट है वो इसी रोड के अंदर से एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद वो जो है वो सीएम का जो काफिला है वो कह सकते हैं सीएमओ की तरफ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री का जो सरकारी दफ्तर है, इसके साथ ही मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। जयपुर जिला कलेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके अलावा आईएएस गौरव गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो सीनियर जो अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो अपनी जो जिम्मेदारी उनके पास है उससे नए जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा उनको ब्रीफ करेंगे। वो यहाँ पर सेक्रेटरेट में पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर के बाद में जब यहाँ पर वो पहुंचेंगे तो तमाम जो कामकाज है उसकी जानकारी जो है वो नए चीफ मिनिस्टर को देंगे। बहरहाल सभी को इंतजार ये इसी बात का है कि थोड़ी देर में जैसे ही भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में विधिवत तरीके से या मंत्रोच्चार के साथ में उनको जो है वो यहाँ पर पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये भी कह सकते हैं कि खास तौर पे कब सबसे बड़ी बात ये भी कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो संघ के करीबी माने जाते थे, पहली बार के विधायक हैं, उन्होंने बड़े अंतर के मार्जिन के साथ में जो जीत है वो यहाँ पर दर्ज करी थी। ये तस्वीरें हैं वो सेक्रेटरेट के अंदर की हैं, जहाँ पर एक मिनट में बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा। पंडित जी कितने बजे का समय है? अभी जब आ जाएंगे, अभी कन्फर्म नहीं पूरा, और मंत्रोच्चारण द्वारा सीट पर बैठाएंगे, बाकायदा जैसे राजा महाराज पूजा करते वैसे कराएंगे, पुष्प वर्षा से द्वार तिलक रात तिलक करके और फिर उनका आसन बैठाया जाएगा। शुभ घड़ी आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? कि चार बजे शुभ घड़ी मानी गई, 4 बजे से वैसे क्या शपथ ग्रहण तो होगी चुका इनके 7 बजे, इसमें कोई दिक्कत, आप जब भी आ जाए जब बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो वहाँ से समारोह हो गया, मुहूर्त तो है 4 बजे का है, 4 बजे का है ना, 4 बजे। देखिए निश्चित तौर पे ये पंडित हमारे साथ जुड़े थे, जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनको कह सकते हैं पदभार जो ग्रहण कराएंगे उनको यहाँ पर वैदिक मंत्रोसार के साथ में उनका कह सकते हैं वो यहाँ पर कराएंगे। मेरे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। योगेंद्र, आज 3 बड़े अहम काम सेक्रेटरीट में भी होने हैं, मुख्यमंत्री की शपथ होगी, मुख्यमंत्री के शपथ के बाद 2 डिप्टी सीएम सूबे के दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा वो भी यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, इसको लेकर क्या करेंगे? डिप्टी सीएम में क्या समय कोई आया है या किस तरह की जानकारी मिली? देखिए दरअसल जो कार्यक्रम तय हुआ है, जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है सीएम का, ये बताया जा रहा है कि 3:52 पर जो भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो सीएमओ पहुंचेंगे, और इसके अलावा क्योंकि उनका प्रोटोकॉल होता है और इसी के साथ ही जो डिप्टी सीएम दोनों हैं वो भी उसी मुहूर्त के आसपास ही यहां पर पहुंचे, यानी लगभग 4 बजे के आसपास। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनका समय तय हो चुका है, 3:52 पर सीएमओ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि सारी चीजें होती है और सनातन धर्म में आपने भी देखा है कि सारा अनुसार ये होता है, जो यूं कहें कि जो गृह प्रवेश होता है या फिर सीएमओ में प्रवेश इसे कहा जा सकता है। दशरथ देखिए निश्चित तौर में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 3:52 का वो समय है जिस समय भजनलाल शर्मा पदभार ग्रहण करेंगे, और खास तौर पे निश्चित तौर पे ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो पंडित या कह सकते हैं जो पदभार ग्रहण करते हैं एक विधि विधान होता है, उसके अनुसार तमाम चीजें होती हैं। एक दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि क्या आज एक बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोनों जो डिप्टी सीएम उनके साथ में, पंचोली क्या इस तरह की कोई खबर है? क्योंकि आज की अगर बात करें तो खबर ये सुबह निकल कर आई थी कि पदभार ग्रहण करने के बाद में तीनों सीएम और 2 डिप्टी सीएम एक बैठक करेंगे, बैठक के बाद औपचारिक रूप से सरकार अपना कामकाज आज से शुरू कर देगी।